हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञान ऑफ थिंग्स। आज हम करंट अफेयर्स की समरी को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो पहली हेडलाइन है वो है डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया विजिट। इस विजिट पर इंडिया और यूएसए के बीच में $3 बिलियन की डिफेंस डील साइन हुए हैं। इसके अंदर इंडिया 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है, जो कि $2.6 बिलियन की डील है, और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है, जो कि $800 मिलियन की डील है। इसके अलावा एक मेंटल हेल्थ पर MOU भी साइन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के बीच में, और एक MOU सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स पे भी साइन हुआ है बिटवीन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA। एक लेटर ऑफ कोऑपरेशन LNG की सप्लाई के लिए भी साइन हुआ है। ये LNG की सप्लाई उन एरियाज़ में की जाएगी जहाँ पर अभी फिजिकल पाइपलाइंस नहीं है इंडिया के अंदर। ये जो सप्लाई होगी वो वाटरवेज, रोडवेज और रेलवेज के थ्रू की जाएगी। ये लेटर ऑफ कोऑपरेशन इंडियन ऑयल कोऑपरेशन, एक्सॉन मोबिल इंडिया LNG लिमिटेड और चार्ट इंडस्ट्रीज़ के बीच में साइन किया गया है। फिलहाल जो गैस का शेयर है इंडिया के एनर्जी मिक्स में वो 6.2% है, जो कि ग्लोबल एवरेज ऑफ 24% से काफ़ी कम है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि गैस के शेयर को 15% तक बढ़ाया जाए बाय 2030। इससे इंडिया के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कमी आएगी, क्योंकि गैस एक रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल है कंपेयर टू कोल। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ टेररिज्म को फाइट करने के लिए भी कोऑपरेट करेंगी और ये 5G टेक्नोलॉजीज़ पे भी साथ काम करेंगी। जो सेकंड हेडलाइन है वो इंडिया के कोरोना वायरस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स को जारी रखा गया 21 एयरपोर्ट्स, 12 मेजर एंड 65 नॉन मेजर सी पोर्ट्स और बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे। एक और एयरफोर्स की फ़्लाइट वुहान सिटी जाएगी वहाँ पर फंसे हुए इंडियंस को वापस लाने में। ये फ़्लाइट 26 फरवरी को इंडिया से निकलेगी। इससे पहले जो केरला में 3 टेस्ट पॉजिटिव हुए थे उन स्टूडेंट्स को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब वो घर पे आइसोलेशन में है। और जो इंडियंस को चाइना से वापस इंडिया लाया गया था और उन्हें क्वारंटीन कैंप में रखा गया था, उन्हें भी अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। करंटली इंडिया में कोई भी कोरोना वायरस का केस नहीं है। लगभग 23,000 पर्सन्स को कम्युनिटी सर्वेलेंस में रखा गया है थ्रू इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम नेटवर्क, यानी कि उन पे नज़र रखी जा रही है कि उन्हें इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग को बढ़ाकर 10 कंट्रीज़ पर कर दिया गया है, यानी कि जो फ्लाइट्स चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया से इंडिया में आ रही हैं उनके पैसेंजर्स को स्क्रीन किया जा रहा है कि उनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं। जो थर्ड हेडलाइन है वो एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 से रिलेटेड है। ये एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। इसका जो 5th एडिशन है वो रिसेंटली कल्मिनेट हुआ UK के अंदर। इसके अंदर अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में जॉइंट ट्रेनिंग की गई और काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस की भी ट्रेनिंग की गई। ऐसी एक्सरसाइजेस से दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि दोनों आर्मीज़ के आपस में कोऑपरेट और काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। इन एक्सरसाइजेस से दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो रिलेशंस हैं वो और मजबूत होते हैं। जो 4th हेडलाइन है वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एक डेकेड कंप्लीट किया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी सर्विस कंपनी है। ये एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के PSUs की, और इसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए। इस मौके पर यह भी अनाउंस किया गया कि इंडिया में लगभग 10 लाख स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया जा चुका है अंडर स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। इसका एम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एफिशिएंसी लाना ताकि बेटर सर्विस डिलीवरी दी जा सके। इसके अलावा 100 MW डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट्स को भी कमीशन किया गया, जो कि एग्रीकल्चर फीडर से कनेक्टेड होंगे। ये फार्मर्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन एक EESL को भी लॉन्च किया गया। इस पर सभी प्रोग्राम के डैशबोर्ड्स एक्सेसिबल होंगे और उनकी रियल टाइम प्रोग्रेस को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। EESL कई सारे एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल उजाला प्रोग्राम के अंदर LED बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट है।
वहीं स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के अंदर पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को हटा के नए LEDs लगाई जा रही हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। LED बल्ब्स ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं CFL के कंपैरिजन में। इससे जो एनर्जी सेविंग्स होंगी वो हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम, एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो फिफ्थ हेडलाइन है वो है फोर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्याम प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन। इस सेलिब्रेशन की जो थीम है वो है आत्मा गांव की सुविधा शहर की। इस मिशन को 21 फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रूरल अर्बन क्लस्टर्स को एक होलिस्टिक मैनर में डेवलप करना। इसमें जो फोकस एरिया है वो है रूरल एरिया जो कि एक अर्बन एरिया के फ्रिंज पे लोकेटेड है। इसके अंदर उन्हें बेसिक एमिनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें जो मेन फोकस एरिया है वो है कन्वर्जेंस कराना यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स का, जिसके थ्रू एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अभी तक 300 क्लस्टर्स को एलोकेट कर चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और 296 अप्रूव हो चुके हैं। जो फंडिंग दी जाती है वो मोस्टली गैप फंडिंग होती है। इसके अंदर जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इन क्लस्टर्स के अंदर वो हैं 24/7 पाइप वाटर सप्लाई, विलेज स्ट्रीट लाइट्स, इंटर विलेज रोड कनेक्टिविटी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, LPG कनेक्शन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेन फैसिलिटी, डिजिटल लिटरेसी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, रूरल हाउसिंग एट्सेट्रा। जो सिक्स्थ हेडलाइन है वो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की। इसे वार्डनगर में 2017 में लॉन्च किया गया था। अभी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 चल रहा है 272 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो कि 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हैं। इसे दिसंबर 2019 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें जो टारगेट है वो है 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज लेवल को अचीव करना, जिससे मैटरनल और चाइल्ड मॉर्टेलिटी में रिडक्शन होगा। ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में भी हेल्प करेगी, जो कि है टू एंड प्रिवेंटेबल चाइल्ड डेथ्स बाय 2030। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती है। 10 डिसीजेज़ को नेशनली कवर किया जाता है। ये डिसीजेज हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया जिसकी वैक्सीन है रोटा वायरस, हेपेटाइटिस बी और मेनिनजाइटिस एंड निमोनिया, जिसे जो हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस से होता है। दो डिसीजेस को सब नेशनली कवर किया जाता है। यह है जैपनीज इंसेफलाइटिस वैक्सीन, जिसे सिर्फ एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में दिया जाता है, और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि अभी लिमिटेड कवरेज है बट इसे एक्सपेंड किया जा रहा है। अभी तक 3 राउंड इम्प्लीमेंट हो चुके हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 के, और एक और राउंड मार्च 2020 में शुरू होने वाला है। सेवन्थ हेडलाइन नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 से रिलेटेड है। ये 3-day इवेंट है जिसे गुवाहाटी आसाम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की भी पार्टनरशिप है। नीति आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडिया के अंदर अडॉप्शन को देखना और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। नीति आयोग स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाने के लिए और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स को पब्लिश करता है। एट्थ हेडलाइन है इनॉग्रेशन ऑफ स्पाइस प्लस वेब फॉर्म। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ये गवर्नमेंट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव्स का पार्ट है। इससे टाइम और मनी में सेविंग होगी एक बिजनेस को इंडिया में स्टार्ट करने में। ये 10 सर्विसेज ऑफर करेगा थ्री सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए जिसमें न्यू कंपनी के नेम रिजर्वेशन होगा, और पार्ट बी में सर्विसेज ऑफर की जाएंगी जैसे पैन रजिस्ट्रेशन, टिन रजिस्ट्रेशन और EPFO ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्ट्रेशन। नाइन्थ हेडलाइन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का एक राइजिंग सेक्टर है, जिसके एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 20% है। इंडिया टॉप 12 बायोटेक्नोलॉजी डेस्टिनेशंस में आता है वर्ल्ड के अंदर।
गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है ऑफ 150 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिवेन्यू जनरेशन का बाय 2025। ये डिपार्टमेंट जो अवार्ड्स देता है वो डीबीटी ब्राइट के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू।